हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे क्रेजेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक डीसी कन्वर्टर, जिसको कहते हैं डीसी कन्वर्टर। और हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं इस बात पे कि हमारी कोई वीडियो नहीं आई बहुत दिन से, और क्योंकि हमें ज़रूरी काम था इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब लगातार वीडियो आएगी और इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, इसलिए बेल आइकन दबा कर रखिए और हमें वीडियो को लाइक कीजिए। और आप कोई भी परचेस करना सामान, जो भी अनबॉक्सिंग में दिखता है या आपके जो भी काम का सामान है, स्पीकर वगैरह कुछ भी, हमसे परचेस कर सकते हैं बहुत अच्छे दामों पर। और इसको बाय कीजिए। ये देखिए, ये है डीसी कन्वर्टर। ये कैसा कन्वर्टर है हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। देखिए, खोलते हैं इसको और इसका पन्नी निकाल देते हैं बाहर। और आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, जब तक हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है cmart.in, उस पर जाइए, उस पर परचेस कीजिए। कुछ भी सामान परचेस करना है परचेस कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट आपके लिए है, ये भी हमने आपके लिए मंगाया है। ये देखिए प्रोडक्ट है, जो ये आपके लिए है प्रोडक्ट। और कैसा निकलता है और कैसी क्वालिटी है इसकी आपको अभी दिख जाएगी। ये देखिए, दो पैकेट हैं और इसके अंदर क्या क्या है वहाँ भी आपको दिखाते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से कि ये दो पैकेट हैं। और फर्स्ट वाले में देखते खोल कर, ये देखिए ये क्या क्या है। पहले तो ये दो फैन हैं। ये देखिए, ये छोटे मोटे फैन नहीं है, काफ़ी अच्छे डीसी कन्वर्टर 48 एम के हैं। उसकी वजन बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। और ये भी, ये अलग है, ये 0.70A के हैं 12 वोल्ट में। और ये देखिए, ये फैन है, इन फैन की बात कर रहे हैं। ये 45 वोल्ट के डीसी 12 वोल्ट के मॉडल है, 12 वोल्ट। देखिए, हम इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इसकी जो हवा होती है एयर, इतनी तेज़ होती है कि आपको समझ नहीं आया कितनी तेज़ होती है। ये देखिए इसकी फैन, ये देखिए इससे आपको पता चलेगा 12 वोल्ट। ये देखिए 12 वोल्ट डीसी 3.9 एम्पीयर। इसको हम अभी आपको चला कर दिखाएंगे थोड़ी देर में, वीडियो के एंड में हम आपको चला कर दिखाएंगे। ऐसे दो फैन हैं, ये देखिए, और ये देखिए एक दो, इन दोनों को हटाकर साइड में। और ये देखिए, ये किड है, ये 12 से 35 0 35। ये देखिए 12 to 35 0 35 डीसी कन्वर्टर, मतलब 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है आपको। और ये आउटपुट मिलेगा, देखो 35 प्लस माइनस और इस बीच में ग्राउंड है, 35 35 0, ठीक है। और बैटरी की यहाँ से देनी है प्लस ये माइनस, इसमें साफ साफ लिखा होता है। देखिए बैटरी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा। इसमें आप परचेस करेंगे तो आप सोचेंगे कि हमें कहाँ वायरिंग करनी, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सब कुछ डिटेल में दिया गया है। और ये देखिए, इसमें चार पीस हैं और ये चारों हैं 35 0 35। हाँ, ये देखिए 35 0 35। इसको यहाँ पर बाकी साइड में हटा देते हैं और इसको साइड में हटाते हैं। इसको देखते हैं इस बॉक्स में क्या, दूसरे वाले में। ये देखिए, और आपको बता दें ये सब जो भी प्रोडक्ट हैं आपको अगर वेबसाइट पर नहीं दिखा देते हैं तो हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। ये देखिए 12, ये भी फैन है, ये 4.80 एम्पीयर, मतलब सेम है फैन इसके माफिक, बस इसमें मॉडल में थोड़ा चेंज है। क्यों, इसमें देखिए इसमें बैरिंग आगे दिख नहीं रही है, लेकिन इसमें दिख, इसमें इस वाले में दिख रही है खाली, बस इसमें शायद के पैप लगा हुआ बहुत दिया गया है, इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, और जे वाले किट है जो, इसको हम दिखाते हैं आपको, ये कैसा अंदर है, इसमें क्या बात है खास। ये सेम वही 12 टू, देखिए ये 12 वोल्ट टू 24 0 या 35 डीसी, ठीक है, 35 या 24 वोल्ट ले सकते हैं आप, कैसे ले सकते हैं। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ बैटरी देंगे और जो ग्राउंड है, जो पर वो इसमें 24 24 आएगा या फिर मैंने इस पर लगाएंगे तो ये 35 वोल्ट आएगा, ठीक, सिंपल की बात है। ये किट वही है, सारी किट वही है, देखिए 12 टू 24 या 35 वोल्ट,
एक चीज़ देखते हैं, 24 जीरो 36 36 ये देखिए, इसमें कुछ दिक्कत आ गई क्या? इसमें ये कैपेसिटर टूट के गिर गया नीचे, ये देखिए कैसे टूट गया ये नहीं पता, लेकिन टूट गया ये। कोई बात नहीं, ये रिपेयर कर लेंगे बाद में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये देखिए कैपेसिटर था, इसलिए मैंने मंगाया। इससे आप फ़ैन वगैरह भी चला सकते हैं और बाकी काम कर सकते हैं। बाकी हम दिखाते हैं आपको फ़ैन चला कर। ये देखिए हम जाए 12 वोल्ट की, ये 12 वोल्ट की दो बैटरी हैं, तो ये 12 वोल्ट तो हम 12 वोल्ट से चलाएंगे खाली। देखिए 12 वोल्ट 7 एच की बैटरी और ये छोटा फ़ैन, ये देखिए। अब इसको हम रन कराते हैं। इसमें वायर के कनेक्शन 3 दिए गए हैं और इसमें से कौन सा लगाना है, देखिए रेड एंड ब्लैक। अब लगाते रेड को प्लस माइनस, ये देखिए इसकी स्पीड बहुत तेज है। कैसे दिखाएं आपको, दिखाने का तरीका नहीं कोई भी, क्योंकि एक हाथ से पकड़ना होगा एक हाथ से चलाना। इसको दिखा दें, ये देखिए इसके मॉडल और एम्पियर, देखिए कितनी तेज चलेगा ये फैन, ब्लैक ब्लैक और रेड, ये देखिए। तेज आवाज है, तेज तेज आवाज है, जब भी चलेगा करते बहुत तेज आवाज है। देखिए ब्रांड वाल होगा और ये देखिए क्या स्पीड आ रही थी इसकी, दमदार। और चलते हुए हाथ पे लग गए कितने के, तो हाथ टूट के दो हो जाएंगे। चलिए हम दिखाते फिर से आपको, लेकिन इसमें अटकाने का सिस्टम मेरे पास कोई है नहीं, तो इसको हम ऐसे रख कर देखते हैं। इसमें ये देखिए सोने के बाद ये देखिए ठीक है, पन्नी पड़ी है टेप, इसका वजन भी हो जाता है। अब इसकी स्पीड देखिएगा, इसकी स्पीड की कोई जवाब नहीं। इसका आने वाले समय में कूलर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको फ़ैन वगैरह ही चाहिए तो परचेज़ कर सकते हैं हमारे वीडियो में जाकर। देखिए हमने पहले चलाया था ये वाला, तो इसका एम्पियर था, ये देखिए ये था 12 वोल्ट 3.9 एम्पियर, और इसका जो एम्पियर है ये है 4.8, मतलब इससे करीब करीब 1 एम्पियर ज़्यादा। तो इसकी स्पीड देखते हैं, इसकी डिज़ाइन भी अलग है और इसकी डिज़ाइन अलग है। चलिए इसको ऑन करके देखते हैं, और हाथ पैरने लग जाए इसमें गलती से भी ध्यान से भी, ये तो हाल होगा बुरा। चलिए इसको यहाँ अटका देता कि अपन टच ना हो जाए, इसको ऑन करते हैं, संभल के ऑन करते हैं। ये देखिए कितनी तेज चल रहा है, आपको दिखाते हैं कोई दोनों। देखिए कुछ कपड़े टंगे हुए और ये फैन, फैन को हम यहीं से चलाएंगे। देखिए तो कपड़े हैं यहाँ, देखिए हवा, देखिए गर्म वाल भी है ज़्यादा है, देखिए वहाँ पर उसकी स्पीड इतनी तेज है। आप कहें इसका कूलर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। देखिए इसे आपको दिखाते हैं, देखिए सब कुछ क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसका आप कुछ भी बना सकते हैं, कूलर फ्रिज एसी। इसकी एयर भी बहुत बढ़िया है और इसकी भी इससे भी बढ़िया है, दोनों की कंपेयर करेंगे तो इसकी ज़्यादा से थोड़ी सी लग रही है। और ये देखिए इन सब की क्वालिटी अच्छी है, आपको बताते हैं इनकी क्वालिटी अच्छी है। ये कहाँ काम आते हैं, एम्पलीफायर वगैरह में काम आते हैं,
और आप विंडो वगैरह में भी लगा सकते हैं, छोटा कमरा है तो विंडो वगैरह में लेटरिन बाथरूम में लगा सकते हैं आराम से। और ये देखिए 12 वोल्ट चल जाता है, और आने वाले समय में आपको इसको कूलर बना कर रखें, क्योंकि ये 12 वोल्ट चल सकता है तो मतलब ये बैटरी से भी चल सकता है। वो एक कूलर काफ़ी मस्त बनेगा और छोटा भी रहेगा। चार ऐसे बनाएंगे, बताइए हम मतलब आपको स्ट्रक्चर बताते हैं कूलर बनाने का तरीका क्या है। एक सिंगल बना सकते हैं आप चाहें तो चार ले सकते हैं, चार की हवा तो इतनी मस्त आएगी आपको बता सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसको चार का ऐसे ऐसे बन जाएगा आपको, और कूलर का पीछे हिस्सा लगेगा, इसके ऊपर जाली लगा दें ताकि हाथ जाए तो आपका हाथ ना कटे। और इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी मजबूत है, देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे अच्छी बात है ये बिल्डिस ही होते हैं ब्रशलेस वाले, तो ये कभी ख़राब नहीं होते हैं। इसका कूलर बनाना मस्त रहेगा और बैटरी से भी चल जाएगा आराम से। देखिए जैसे मान लीजिए कूलर आपने बनाया 4, 8, 12, 16 एम्पेयर का बनेगा, 12 वोल्ट में 16 एम्पेयर, 16 एम्पेयर के सोचिए कितनी तेज फंका हुआ, कितनी तेज चलेगा। और चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आने वाले समय में आपको और अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको कोई भी चीज़ परचेज़ करनी हो तो हमारे DOSS CA Mart पर जाइए परचेज़ कीजिए। वहाँ पर आपको एक किट वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, जैसे किट है इसे मिल जाएगी आपको। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।